क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। नवगछिया से पटना पढ़ने आए विद्यार्थियों ने हथियार के बल पर लाखों की ज्वेलरी व नकदी लूटी, SSP ने किया खुलासा। पटना पुलिस ने शिवपुरी इलाके में 2 सितंबर को महावीर ज्वेलर्स में हथियार के दम पर करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 20,000 रुपए कैश की लूट का खुलासा कर दिया। आरोपियों तक पहुंचने के लिए 36 घंटे तक पुलिस वाले स्टूडेंट बनकर एक लॉज में रुके रहे। वारदात के 10वें दिन पटना पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया। SSP उपेंद्र कुमार शर्मा के खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि लूट में शामिल 4 में से 3 आरोपी स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक डी फार्मा तो 2 लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तीनों ने अपने नवगछिया के दोस्त के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पटना पुलिस के द्वारा इस केस में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें शुभम कुमार, करण कुमार और आदित्य हर्षवर्धन शामिल हैं, जबकि नवगछिया से आया इनका 4था साथी आशीष फरार है। इन तीनों को पुनाईचक के एक लॉज से पकड़ा गया। इनके पास से लूटी गई पूरी ज्वेलरी बरामद हो गई। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 गोली और 2 बाइक्स को भी बरामद कर लिया गया है। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे, जिससे FSL की टीम को फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाए थे। इस घटना का खुलासा करते हुए SSP ने बताया कि 7 से 8 सितंबर को ही इस कांड में पुलिस को लीड मिल गई थी, मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिक्कत अपराधियों की पहचान को लेकर थी। इतना पता चल गया था कि अपराधी पुनाईचक में अटल पद से सटे एक लॉज में रहते हैं। लॉज के मालिक के साथ सेटिंग की गई। पुलिस की टीम 36 घंटे तक 5 कमरों वाले लॉज में रही। अंदर ही अंदर छानबीन चलती रही, तब जाकर पहचान हुई। तीनों को वहां से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी शिवपुरी ईस्ट में कोचिंग में पढ़ते हैं। उसी दौरान रोड नंबर 0 पर महावीर ज्वेलर्स की रेकी की थी। इसके बाद पुनाईचक की लॉज में रहने लगे। शुभम नवगछिया का तो आदित्य भोजपुर का रहने वाला है। एक के पिता ठेकेदार, दूसरे के पिता FCI कर्मचारी, तीसरे के पिता बिल्डर हैं। शुभम कुमार और करण कुमार एक साथ लॉज में रहते हैं, जबकि आदित्य पटना में गर्दनी बाग में साईं मंदिर के पास सुंदरी एनक्लेव अपार्टमेंट में रहता है। पटना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से सघन पूछताछ के बाद बताया कि ज्वेलरी शॉप के अंदर शुभम अपने फरार दोस्त आशीष के साथ गया था, जबकि करण और आदित्य बाइक लेकर बाहर खड़े थे। लूट के बाद दहशत फैलाने के लिए उस रात फायरिंग भी की थी। अगले दिन मीडिया में खबर आने के बाद डर गए। तीनों का ये पहला क्राइम था, इस कारण रुपए तो खर्च कर दिए लेकिन ज्वेलरी को बेच नहीं पाए। 50,000 में आशीष नवगछिया से ही 2 पिस्टल खरीद कर लाया। एक बरामद हो गई और दूसरी आशीष के पास है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये इन लोगों का पहला अपराध है। अभी तक रिकॉर्ड्स में भी हम लोगों ने जेल के आंकड़ों में भी इनको सर्च किया तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। 2 लड़के इसमें नवगछिया के हैं, शुभम कुमार इसी का लॉज था, यही लोग लॉज में रूम लिए हुए था, ये भी नवगछिया का रहने वाला है। इसका दूसरा सहयोगी जो है वो यहाँ अपराध करने के लिए आया था, इसी का हमउम्र है, हालांकि भागलपुर में रहता है, वो पटना में नहीं पढ़ता है। करण कुमार दूसरा लड़का है जो कि मूलतः भोजपुर जिले का रहने वाला है, यहाँ शास्त्री नगर इलाके में किराए पर रहता है। एक लड़का और है आदित्य हर्षवर्धन, ये भी भोजपुर का रहने वाला है, लेकिन इसका अपना यहाँ आवास भी है, अनिसाबाद गोलंबर के पास साईं मंदिर के पास फ्लैट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194, 700484239।
भागलपुर में मुंगेर की महिला ने सफेद बाल वाली बच्ची को दिया जन्म, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ है जो पूरे भागलपुर में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल मुंगेर के धराहरा की प्रमिला देवी ने 6 सितंबर को रात 12 बजे सफेद बालों वाली बच्ची को जन्म दिया है। नवजात का रंग भी दूधिया गोरा है। मायागंज अस्पताल में बच्ची को देखने के लिए जन्म के बाद से काफी भीड़ जमा हो रही है। बताया जा रहा है कि हजारों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मायागंज अस्पताल में पहली बार ऐसी बच्ची ने जन्म लिया है जिसके बाल सफेद हैं। बच्ची की मां ने बताया कि 6 सितंबर को मुंगेर सदर अस्पताल से मायागंज अस्पताल रेफर किया गया था। उसी रात 12 बजे चेरियन पद्धति से बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची की मां ने कहा कि हम लोग खुश हैं। मायागंज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि रंग बनाने वाले मेलाजिन पिगमेंट के नहीं बनने के कारण ऐसा हुआ। इसे आनुवांशिक विकार भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों में स्किन कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। कब एडमिट हुए थे? 12 बजे हुआ है, रात में 6 तारीख को। हाँ, कैसा लग रहा है बच्चा? बाल उजला है। बाल उजला है और क्या, बच्चा को बढ़िया से रखेंगे आप, बच्चा का नियन थोड़े बहुत कर देंगे। खुश हैं? हैं, बच्चा खुश से रहेंगे, बच्चा खुश से हैं। आपका क्या नाम है? प्रमिला देवी। कहाँ घर हुआ? नया टोला मटारी। नया टोला मटारी, मुंगेर। हाँ, मुंगेर। क्या नाम? नाम हुआ राकेश यादव। कब आए थे यहाँ पर? कब आए थे? 6 तारीख को। कब हुआ बच्चे का जन्म? 12:30 बजे। क्या है बच्चे में? लड़की है। लड़की है। बाल, बाल मतलब है उजला है। मतलब बाल कौन सा उजला है? बाल अच्छे मानेंगे कि अब जो है जी है नहीं फिर। अच्छा मान रहे हैं? हाँ, मानेंगे। नहीं नाम रखे कुछ? अभी तो नहीं रखे हैं। टीएनबी कॉलेज में खुला इग्नू का नया स्टडी सेंटर। टीएनबी कॉलेज में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के नए स्टडी सेंटर की शुरुआत हो गई। इग्नू के कुलपति नागेश्वर राय ने 8 जून 2021 को इसकी स्वीकृति दी थी। इग्नू ने संबंधित पत्र टीएनबी कॉलेज को भेजा था, जिसका उद्घाटन टीएनबी के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी सहित अन्य प्रोफेसर्स ने फीता काट कर किया। टीएनबी के प्राचार्य ने बताया कि इग्नू का सेंटर लर्नर सपोर्ट सेंटर के रूप में कार्य करेगा। इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होंगे। पूरे देश में 12 नए लर्नर सपोर्ट सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें एससी एसटी छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। इनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारे सुंदरम स्वीट्स। सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर मायागंज अस्पताल में मेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल के छात्रों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा परिणामों में घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम सही तरीके से घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण इस साल हमारे बैच में लगभग 40 बच्चे फेल हो गए। ऐसा न कभी हुआ था और न ही कभी हो सकता है। हर साल एग्जाम होता है और 3 से 4 बच्चे फेल होते थे, लेकिन इस बार परिणाम कुछ ऐसा घोषित किया गया कि 40 से भी ज्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया। कई छात्र छात्राओं को एक मार्क से फेल कर दिया गया। एक मार्क से फेल होना कैसे संभव है? उन लोगों को ये समझना होगा कि जिन छात्रों के साथ ऐसा हुआ है वो किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। ये पूरी तरह से अमानवीय है। हम छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम का विरोध करते हैं। हमारी मांगे हैं कि पुनः कॉपी जांच कराई जाए और सही तरीके से परिणाम को घोषित किया जाए। अभी तक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे बैच में इतने लोग फेल हो रहे हैं,
तो इसका कारण क्या हो सकता है, मतलब क्या लगता है कि क्योंकि हमारे बच्चे सबसे बेवकूफ़ बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि इतने साल से चला आ रहा है, मैक्सिमम 4 से 5 बच्चे फेल हो रहे थे और यहाँ पे क्या है कि 40 बच्चे फेल हो रहे हैं। तो एक हम लोग का पैटर्न चेंज हो गया, चलिए उसमें भी हम लोग हैं एक सहमत है कि चलिए पैटर्न चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने आप प्रिपेयर किए कि हाँ हम लोग इस मुश्किल दौरान एग्ज़ाम दिए। उसके बाद इन लोग क्या बोले कि हम लोग का रिजल्ट आया, हम 40 बच्चे फेल हैं, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि टेक्निकल रीज़न के इशू की वजह से हम लोग को ऐसा रिजल्ट देना पड़ा, हम लोग खुद नहीं पता था कि कैसे मार्किंग करना है, कैसे कॉपी चेक करना है, ठीक है। तो अब जो बच्चे बच्चे पे गुजर रहा है उनका मनुष्य समझिए कि वो किस फेज से गुजर रहा है, कितने परेशान है, पता नहीं कैसे कोई समझ नहीं पाता है, कितने परेशान है वो लोग जो लोग। ये संघ और सरकार की लड़ाई है, जब तक हमारी मांगे माननी नहीं ली जाती हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ विगत 10 वर्षों से दैनिक मजदूर कार्य करते आ रहे हैं, फिर भी 10 साल से नगर निगम में कार्य करने के बावजूद उनका कोई स्थायीकरण नहीं है, न ही 7वें वेतन की शुरुआत हो पाई। एक आवाज में सबों ने कहा कि ये संघ और सरकार की लड़ाई है, जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक हम लोगों का ये अनवरत हड़ताल जारी रहेगी और इसका रूप और भी वृद्ध होता जाएगा। ताजा मामला नगर निगम भागलपुर का है। विगत कई दिनों से बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हल्ला बोल प्रदर्शन व हड़ताल जारी है। बताते चले कि इससे भागलपुर की स्थिति चरमरा सी गई, फिर भी अधिकारी का रवैया उदासीन है। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के द्वारा अनिश्चित हड़ताल को राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ ने पुरजोर तरीके से अपना समर्थन दिया है और 13 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द लागू करने का सरकार को अविलंब निर्णय लेने को कहा, नहीं तो उग्र आंदोलन का आह्वान किया। नूरपुर में विसर्जन के दौरान दो पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन घायल। भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रेलवे फाटक के समीप रविवार की देर रात करीब 10 बजे प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक तरफ से महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। इसमें नूरपुर काली स्थान के रहने वाले गौरव कुमार उर्फ गणेश व उसकी मां गंभीर रूप से घायल है, बाकी अन्य लोग आंशिक रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक राघोपुर टिकर की प्रतिमा विसर्जन के लिए रेलवे फाटक नूरपुर काली स्थान होते हुए करेला पोखर की तरफ जा रही थी, तभी इसमें शामिल लोगों ने नूरपुर पुस्तकालय के समीप स्थापित प्रतिमा को लेकर की गई सजावट की लाइट्स को तोड़ दिया। विरोध करने पर उपद्रवियों ने जनरेटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में वहां से गुजरे 11,000 वोल्ट के बिजली के तार भी टूटकर गिर गए, जिससे इलाके में बिजली बाधित हो गई। गनीमत रही कि जहां बिजली की तार गिरी वहां लोगों की भीड़ नहीं थी, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। इसके बाद तार को ठीक करने आए बिजली कर्मियों को भी नूरपुर के लोगों ने वापस लौटा दिया। घटना से आक्रोशित नूरपुर के लोग थाने का घेराव करने का मन बनाने लगे। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराकर प्रतिमा को विसर्जन के लिए आगे बढ़ाया और दोनों गंभीर घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन नूरपुर के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोश को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। मामले में मधुसूदनपुर थाने के जमादार अनमोल राम ने बताया कि सभी लोगों को शांति बहाल रखने की अपील की गई है। घटना के संदर्भ में पीड़ित को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने को कहा गया, आवेदन देने पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रसादी वितरण हो रहा था, वो लोग 3 चौकी लगा के मूर्ति लाया था, 3 जगह मूर्ति लगा था, उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट हो गया उन लोग का, उसके लिए हम लोग को मारा और सब पूरा जनरेटर उल्टा दिया, सामान वामान तोड़ फोड़ किया, हर चीज़ को नुकसान किया, लेडीज़ को मारा, जनानी सनानी जितना था सबको मारा, बच्चा सबको मारा, पीटा पीटा। ये यहाँ पे देखो मुझे पूरा इस समय पूरा अपना भाई बच्चा नहीं गए, हम लोग को भी मारा, सब सब कुछ मारा, जनरल कार्यकर्ता जनरल सदस्य था मेरा, सबको पिटाई पिटा। क्या नाम है? चंद्रशेखर। हम लोग आरती कर रहे थे उस समय, वो लोग मूर्ति लेके आया बसाने के लिए, तभी हम लोग का झालर लगा हुआ था, वो लोग बोल रहा था खोलने के लिए, हम लोग खोलना स्टार्ट किए, तभी में वो लोग मूर्ति घुसा दिया और तार में सटा दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट करवा दिया। शॉर्ट सर्किट करवाया, हम लोग का नुकसान करवा दिया झालर का, और यहाँ पर बहुत आदमी खड़ा भी था, अगर तार गिर रहा था तो आदमी। मारपीट कैसे हुआ? मारपीट मारपीट यही हुआ कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके वजह झालर खराब। हम लोग गए बोल, वो लोग खुद आया हम लोग के पास, बोलता है कि आप लोग काहे नहीं लाइट कटवाए, लाइट कटवाना चाहिए आप लोग को, हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए नहीं कटवाने की वजह से लोग बेवजह का हम लोग को मारने लगे। कौन कौन था उसमें? देखो तो सोनू नाम का था, चंदन नाम का एगो लड़का, राघोपुर का है, दारू बेचता है,
वो है, और सूरज नाम का जो यहाँ चुनावे का टोटो चलाता है वो लड़का भी है, और नाम तो उतना नहीं जानते हैं लेकिन शकल देखेंगे तो बहुत को पहचान लेंगे। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमिहरा मुसरी घरारी NH 103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। BLIS BBA BCA BJMC BEd DEd MEd में नामांकन जारी है। मुंगेर में प्रगति शिशु विद्यालय का हुआ उद्घाटन। सोमवार को मुंगेर जिला में प्रगति बाल विकास योजना के द्वारा तारापुर प्रखंड के गनौल पंचायत के वार्ड संख्या 1 में प्रेरक पद पर पूजा कुमारी को नियुक्ति पत्र दिया गया एवं गनौल पंचायत के वार्ड नंबर 4 के सुषमा कुमारी को प्रेरक पद पर नियुक्त किया गया। प्रगति शिशु विद्यालय का उद्घाटन भागलपुर क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार एवं मुंगेर जिला समन्वयक धनंजय कुमार के द्वारा फीता काट कर किया गया। उपस्थित कार्यकर्ता तारापुर समन्वयक राकेश कुमार, गनौल पंचायत समन्वयक राजीव कुमार रोशन, खड़गपुर समन्वयक विक्रम पासवान, रवि कुमार रंजन तथा मनोज कुमार दास उपस्थित थे। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने रंगरा पहुंचे नौगछिया SDO। प्रखंड पदाधिकारी को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी पंचायत चुनाव 2021 को लेकर नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी यतिन कुमार पाल सोमवार को रंगरा पहुंचे, जहां चुनाव संबंधी की जा रही तैयारी का जायजा लिया। इस क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सबसे पहले प्रखंड कार्यालय रंगरा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यों से संबंधित प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बूथों की संख्या, बूथों की भौतिक सत्यापन, BLO के कार्य, नामांकन से लेकर मतगणना तक की रूपरेखा की तैयारी, मतदान दलों के ठहरने और बूथों तक जाने की व्यवस्था अधिकारियों का विस्तृत रूप से जानकारी लिया। साथ ही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में चल रहे विभिन्न योजनाओं के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने बजगी निर्माण, मतगणना हॉल निर्माण एवं मतदान सामग्री वितरण के लिए कैंप हेतु मध्य विद्यालय रंगरा को चिन्हित किया और वहां पहुंचकर उन्होंने विद्यालय का भी जायजा लिया। वहीं मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार को चुनाव संबंधी कार्यों में तेजी लाने, सभी त्रुटियों को दूर करने और प्रखंड क्षेत्र के सभी बूथों का भौतिक सत्यापन कर वहां की त्रुटियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष के साथ तेतरी वाले गणेश जी के प्रतिमा का हुआ विसर्जन। लगातार 4 दिनों से नौगछिया अनुमंडल के तेतरी गांव में महेश प्रशासन के दरवाजे पर चल रहे गणेशोत्सव का सोमवार की संध्या प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही गणपति पूजा समारोह धूमधाम से संपन्न हो गया। शुक्रवार के दिन से प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार भक्ति कथा, जागरण, संध्या भजन सहित कई तरह का आयोजन हुआ। बताते चले कि 4 दिनों तक आयोजित इस समारोह में 3 दिनों तक आयोजित भक्ति कथा में स्थानीय बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक झांकी का भी प्रदर्शन हुआ। कथा में भजन का कार्यक्रम गुलशन म्यूजिकल टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया व कथा वाचिका पूजा भारद्वाज द्वारा कथा का श्रवण कराया गया। विसर्जन शोभा यात्रा समारोह स्थल से निकलकर समूचे गांव का भ्रमण कराते हुए स्थानीय कलबलिया धार में विसर्जित किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा में गौतम चौधरी, शिव शंकर प्रसाद सिंह, सुमन कुमार सिंह, कुमार संजीव मंटुंदा, गुड्डू सिंह, शंभू चौधरी, मुकेश सिंह, कन्हैया झा, मुकेश राय, सम्राट राय सहित कई स्थानीय ग्रामीण एवं तेतरी युवा संगठन के कार्यकर्ता एवं ग्रामीण शामिल। टिंटेगा दियारा में हो रहे कटाव का जायजा लेने पहुंचे भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद मंडल। रंगरा प्रखंड क्षेत्र के टिंटेगा दियारा दक्षिण पंचायत के महादलित टोला, बिन टोला और ज्ञानी दास टोला में हो रहे भीषण कटाव का जायजा लेने नौगछिया के भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल कटाव स्थल पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने हो रहे कटाव को करीब से देखा और कटाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। वहीं मौके पर उन्होंने बताया कि चाहे जो भी कुछ करना पड़े टिंटेगा दियारा को कटने नहीं दिया जाएगा। वे जल्द ही पटना जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या के बारे में बात करेंगे और जल्द से जल्द ठोस कटाव निरोधी कार्य करवाएंगे। वहीं मौके पर गणेशी दास, ब्यासी दास, वकील सिंह, मनोज कुमार मंडल, विकास कुमार भारती, ललन जायसवाल, कन्हैया कुमार मंडल के अलावे दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। तटबंध धसान जारी, कटे हुए भाग से पीछे हटकर तटबंध को मजबूत करने में लगे विभाग के लोग। आधे दर्जन से अधिक संवेदक को लगाया गया कराया जा रहा कार्य।
नौगछिया के इसमाइलपुर से बिनटोली तटबंध पर बीर नगर बुद्धू चक गांव के समीप गंगा नदी के जलस्तर घटने के बाद 30 से 35 मीटर तक तटबंध ध्वस्त हो गया। तटबंध को ध्वस्त हुए भाग को तत्काल विभाग के द्वारा लखा सिंह के माध्यम से रिस्टोरेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नदी की गहराई अधिक होने के कारण उससे प्रोटेक्ट करने में परेशानी हो रही है। नदी का दबाव पूरी तरह तटबंध पर है। सोमवार को कटाव स्थल पर खुद नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के कैंप कर रहे अभियंताओं को तत्काल तटबंध को सुरक्षित करने के बाद ही कार्य बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौके पर कार्य की प्रगति लाने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। इस तटबंध के ध्वस्त होने के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे नदी का जलस्तर घटने के कारण थोड़ा पानी का दबाव कम है, लेकिन कटाव स्थल पर जिस तरह से उल्टी पानी का दबाव है इससे काफी डर है। नवगछिया के रंगरा में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर हुआ प्रतियोगिता का आयोजन। रंगरा प्रखंड के तेज नारायण उच्च विद्यालय रंगरा में बीते सोमवार को कक्षा नौवीं के छात्र छात्राओं के बीच निबंध पेंटिंग एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्वास्थ्य केंद्र रंगरा के द्वारा कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही स्वच्छता अभियान की जागरूकता रैली भी निकाली गई। वहीं प्रतियोगिता में नीरज कुमार, रोशन कुमार, अभिषेक कुमार, आराधना कुमारी, अर्चना कुमारी सहित कई अन्य ने भाग लिया। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारी की बैठक आयोजित। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार आपसी सामंजस्य को लेकर भवानीपुर थाना परिषद में सोमवार को पंचायत चुनाव के मद्देनजर नौगछिया SDPO दिलीप कुमार एवं गोगरी SDPO मनोज कुमार के नेतृत्व में झंडापुर, बीपुर, भवानीपुर, पसराहा, भरतखंड थाने के थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी, सीमा क्षेत्र पर नाकाबंदी व अपराधी की सूची को सीमा क्षेत्र को लेकर एक जिले से दूसरे जिले के सीमांत थाना को आदान प्रदान कर नकेल कसने व आपराधिक तत्व की गिरफ्तारी के लिए सीमांत क्षेत्र में सहयोग करने पर चर्चा की गई। साथ ही खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत सीमांत क्षेत्र में द्वितीय चरण का पंचायत चुनाव 24 सितंबर को होना है, जिसको लेकर सीमांत क्षेत्र राजमार्ग 31 सतीश नगर बॉर्डर एवं 14 नंबर सड़क गनौल सुई गेट के पास दोनों सब डिवीजन की पुलिस चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। वहीं मौके पर नौगछिया मुख्यालय DSP सुनील कुमार पांडे, पसराहा थानाध्यक्ष अमलेश कुमार, भरतखंड OP प्रभारी आशुतोष कुमार योगेश, भवानीपुर OP प्रभारी रमेश कुमार साह, बीपुर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, झंडापुर OP प्रभारी भूपेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद। नारायणपुर BDO ने सेक्टर पदाधिकारी के साथ की बैठक। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय नारायणपुर के वेशम कार्यालय में सोमवार को पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार की अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारी के साथ बैठक कर प्रखंड के विभिन्न सुनिश्चित मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, रैंप, शेड, बिजली, फर्नीचर समेत अन्य की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं किसी प्रत्याशी के द्वारा वोटर को डराना धमकाना एवं रुपये के साथ अन्य सामग्री वितरित करने पर उसकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने, समय संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान के अलावा मतदान के लिए जल जमाव वाले क्षेत्र एवं गंगा व कोसी दियारा क्षेत्र में वर्तमान पानी की स्थिति समेत अन्य मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। कदवा में समाज सेवी सह राजनीतिक गुरु गजाधर राय का निधन। विधायक व जीप ने परिजनों को दी संतावना। कदवा दियारा पंचायत के बोड़वा टोला निवासी समाज सेवी सह राजनीतिक गुरु गजाधर राय का निधन रविवार की देर रात हृदय गति रुकने से हो गया। वहीं उनके निधन की खबर सुनते ही अंतिम दर्शन के इलाके के विभिन्न संगठन के प्रतिनिधित्व अन्य गणमान्य का हुजूम जुट गया। गजाधर राय को एक झलक पाने के लिए लोगों के आने जाने का तांता लग रहा था। मौके पर पहुंचे विधायक गोपाल मंडल, जीप नंदनी सरकार, भूतपूर्व प्रमुख मानकेश्वर सिंह उर्फ मंटू, पंचायत के मुखिया अशोक सिंह सहित कई अन्य ने मृतक के परिजन को संतावना देते हुए बताया कि गजाधर राय का सर्वाधिक जीवन काल समाज सेवा में ही बीता। वे एक कुशल राजनीतिक भी थे। कदवा में बाढ़ के पानी से टूटी सड़क की मिट्टी भराई का कार्य शुरू। कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत भरोसा सिंह टोला में शिव मंदिर समीप बाढ़ का पानी से टूटा सड़क का मरम्मती कार्य सोमवार को शुरू कर दिया गया। काम करा रहे मुरारी सिंह ने बताया कि मंगलवार को वहां बने चचरी पुल को हटाकर मिट्टी भराई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद लोगों का आवागमन भी चालू कर दिया जाएगा। पूर्णिया जेल में कार्यरत जेल पुलिस जवान का सड़क दुर्घटना में गई जान, परिजनों में छाया मातम। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर चंडी स्थान निवासी जेल पुलिस में कार्यरत नीरज कुमार का आकस्मिक निधन सड़क दुर्घटना में हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक नीरज कुमार रविवार को अपने घर
से कटिहार केलाबाड़ी के ससुराल जाने के दौरान संध्या डूमर के पास एक ढाबे पर पीछे से किसी अज्ञात वाहन के धक्का लगने से वह गिर गया। ढाबे वाले ने इन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचाया, जहां से उन्हें कटिहार रेफर कर दिया गया। अस्पताल जाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं मृत्यु की सूचना स्थानीय ढाबे वाले ने परिजन एवं पूर्णिया जेल कारा के अधीक्षक को दिया, जिसके उपरांत सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पूर्णिया जेल के जेलर बड़ा बाबू साथ में सिपाही अंतिम दर्शन करने आए और श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही साथ गांव के सभी लोगों ने अपने नम आंखों से इन्हें विदाई दी। वहीं जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल, मुखिया निभा देवी, सुजीत मंडल आदि ने जवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कदवा में ठंड का गिरने से गाय की गई जान। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलाटोला कदवा में रविवार की देर रात ठनका गिरने से पशुपालक पुलिस राम के बेटे गुड्डू कुमार राम की एक गाय की जान चली गई। सूचना मिलते ही खैरपुर कदवा के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार व सहकर्मी भानु राय ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं चिकित्सक ने बताया कि पशुपालक को उचित मुआवजे को लेकर वरीय पदाधिकारी को जाँच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ढोलवज्जा में 50 लीटर देसी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार। ढोलवज्जा थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद एसआई संजय कुमार ने सोमवार की अली सुबह करीब 4 बजे लूरी दास टोला चौक पर छापेमारी कर वहां 50 लीटर देसी शराब के साथ दो बाइक सवार धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शराब तस्कर पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र अंतर्गत नगडहरी सरस्वती टोला निवासी शंकर मंडल के बेटे गुड्डू कुमार व बिरबल मंडल के बेटे कुंजय कुमार हैं। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने बताया कि दोनों गिरफ्तार युवकों को सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बीहपुर में घर से प्रशासन ने बरामद की बंदूक। सघन छापेमारी अभियान के तहत बीहपुर पुलिस को सफलता मिली। इस क्रम में रविवार की रात बीहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बदमाश के घर में हथियारों का जखीरा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और PSI आशुतोष कुमार के साथ लतीपुर वार्ड नंबर 12 निवासी कुलदीप मंडल पिता शीतल मंडल के घर छापेमारी की। जब ट्रंक को खुलवाया तो ट्रंक के अंदर कपड़े में लिपटे एक दोनाली बंदूक बरामद किया गया। कुलदीप मंडल पहले ही घर से फरार हो चुका था, उसको दबोचने के लिए पुलिस सघन छापेमारी कर रही है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 7004826539। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारे। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।